Good morning, everyone. This is a Sunday morning, and we are here with a very interesting initiative, which is being done in the West Bengal, in the district of Malda. We all have heard about the Malda mangoes, Malda ke aam ke baare mein hum sabne suna hai, aur aaj Malda ki hum jo shiksha ki baat karenge. और किस प्रकार से एक युवा ऑफिसर जो एक जिले में शिक्षा पे कैसे एक मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है उसकी कहानी है आज जो हम लोग आज सुनेंगे. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नवीन चंद्र जी. वो असिस्टेंट कलेक्टर और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट के. और मेरा नाम रवि गुप्ता है. आई एम एडिटर इन चीफ ऑफ ए मैगजीन कॉल्ड डिजिटल लर्निंग. डिजिटल लर्निंग इज इंडियाज फर्स्ट एंड द ओनली मैगजीन ऑन इनोवेशंस इन एजुकेशन फॉर लास्ट 16 इयर्स. हम पिछले 16 सालों से हर महीने मैगजीन निकाल रहे हैं और एक ही उद्देश्य और हमारा मिशन है कि हम जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार में क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं उसके बारे में बात करें. तो नवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. और इसके पहले कि हम लोग आपके आपने जो शिक्षा में जो काम किया है उसके बारे में हम आगे बढ़े, कृपया आपने बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं. क्या इंस्पिरेशन आपके पास थी कि आपको लगा कि आपको आईएएस सर्विसेज में जाना चाहिए, और जो अब तक आपकी जो आईएएस की जर्नी है वो क्या है. नवीन जी वेलकम. थैंक यू वेरी मच रवि जी मुझको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. यहाँ पे मैंने कई वेबिनार्स आपके किए हुए देखे हैं. जो लास्ट हुआ डीएसटी सेक्रेटरी सर के साथ वो भी मैंने देखा. इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग. तो इट इज एन ऑनर एंड अ प्लेजर फॉर मी. तो टू स्टार्ट विद, जैसा आपने बोला, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है मालदा डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि वी वॉन्टेड टू सी कि इतने एक रिमोट एरिया में, इतने एक रूरल एरिया में अगर हम कुछ एक ऐसी चीज करने का ट्राई करते हैं तो उसका रिस्पांस क्या आता है, लोग उसको कैसे देखते हैं, क्या वो उसको उतने ही एंथुजियाज्म से देखेंगे जितने एंथुजियाज्म से हमसे स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. जैसा आपने पूछा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ. तो मैं अभी पोस्टेड हूँ मालदा डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कलेक्टर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट. ये मेरी पहली ही पोस्टिंग है. 10 महीने मुझे हुए हैं मालदा में आए हुए. एजुकेशन बैकग्राउंड मैं बोलूँ तो मैंने अपना इंजीनियरिंग किया है आईआईटी रुड़की से, केमिकल इंजीनियरिंग 2015 में मैंने किया. 2016 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का. किस्मत से सफलता भी मिली और मैं इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में ज्वाइन किया. मैंने ट्रेनिंग में रहते हुए दोबारा दिया, और दोबारा मैंने जब दिया तो फिर आईएएस में आया. मेरा अगर आप ये देखें कि इंटरेस्ट जो है, क्योंकि हर किसी का एक पैशन होता है कुछ एक, इवन जो लोग आईएएस में भी आते हैं उन लोगों का एक, हम उसको बोलते हैं अपने इनर सर्कल में कि एक पेट सेक्टर है, जो उस सेक्टर के लिए दे आर वेरी पैशनेट. सारे सेक्टर में ही काम करना है. आईएएस का तो सर्विस ही नेचर ही ऐसा है दैट इन द स्पैन ऑफ 35 इयर्स 30 इयर्स आप सारे सेक्टर में काम करते हैं, बट एक पैशन एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों का होता है. आई हैव ऑलवेज हैड दिस पैशन इन द एजुकेशन सेक्टर. मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे आप जनरेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, नॉट जस्ट द प्रेजेंट जनरेशन बट फ्यूचर जनरेशन को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं. और छोटा सा चेंज भी बहुत सारी जिंदगियों पे फर्क डालता है. तो आईएएस में आने का मेरा जो मेजर मोटिवेशन आप बोले उसे या फिर कुछ बोले, वो यही था कि नाउ दैट मैंने आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन कर लिया, हाउ इज इट कि मैं अपना मैक्सिमम इम्पैक्ट किस फील्ड के द्वारा छोड़ पाऊंगा इंडियन सोसाइटी पे, या लोगों के लिए मैं किस फील्ड के द्वारा सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा चीजें मैं होते हुए देख सकता हूँ अपने सामने, अपने आइडियाज को शेप लेते हुए देख सकता हूँ. उस तब मैंने इवैल्यूएट किया, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे उसमें, तो मुझको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही एक ऐसा ऑप्शन लगा जिसमें आप एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं जो अपनी आंखों के सामने आप उसको ग्रो करते हुए देख पाएंगे, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो देख पाएंगे, और फिर उसको स्टडी करके चेंज करके और बेटर कर सकते हैं. एंड ये एक इकलौती शायद ऐसी सर्विस है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है टू इम्प्लीमेंट थिंग्स एट द ग्राउंड लेवल. एंड देन जैसा आप ग्रो करेंगे, देन आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू मेक पॉलिसीज
which will you have a very large impact jo pure population ke liye aap banate hain matlab not banate nahi to at least you have a say so that was my motivation behind it ki main apne talent ka jo bhi main thoda bahut mujhe aata hai uska maximum main kahan pe de paun so that was the main reason of me joining this industry. तो नवीन जी आपने जो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में काफी आजकल जो है चर्चा हो रही है तो कृपया हमारे जो दर्शकों को बताएं कि ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया इंस्पिरेशन कैसे आई और फिर क्या चैलेंजेस आए आपको अपना जो एक्सपेरिमेंट करने में जो आप अभी कर रहे हैं राइट तो रवि जी एक्चुअली में जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया मालदा में और क्योंकि जब आप कहीं किसी नई जगह जाते हैं तो आपका पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप उस जगह के बारे में पढ़ते हैं उस जगह के बारे में आप रिसर्च करते हैं कि वहाँ कैसा है क्या एटमॉस्फेयर है क्या है जब मैंने मालदा के बारे में थोड़ा रिसर्च किया अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर बहुत सारे बहुत हिस्टोरिक सिटी है एंशिएंट कैपिटल है बंगाल का मैंगोस के लिए फेमस है ओल्ड सिटी जो है गौड़ उसके लिए फेमस है बहुत सारी चीज़ें बट एक दो चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें मुझे लगा देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मेक अ डिफरेंस कि मैं वहाँ जाके कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे एक चेंज इनिशिएट हो सके जो मेरे जाने के बाद भी शायद रहे वहाँ वो एक ऐसी उनमें से एक ऐसी चीज थी जो है चाइल्ड मैरिज मालदा में अभी भी काफ़ी लड़कियों का अर्ली मैरिज हो जाता है चाइल्ड मैरिज होता है बहुत सारी रिसर्च हुई है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि ऐसा क्यों है यूएन ने भी एक पेपर लिखा है स्पेसिफिकली फॉर मालदा एक यूएन का स्पेशल सेल भी है जो मालदा में चलता है विच लुक्स एट दिस सारे रिसर्च रिपोर्ट्स का जो सार है वो यही है द प्रॉब्लम इज विद लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ गर्ल्स ऑन फर्स्ट देयर फैमिलीज एंड देन आफ्टर मैरिज ऑन द ब्राइड सॉरी ऑन द ग्रुप तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे एड्रेस करें जब मैंने देखा कि मालदा में क्या क्या चल रहा है वेस्ट बंगाल में क्या क्या चल रहा है सम वेरी ब्रिलियंट इनिशिएटिव स्कीम टू यू नो जब मैंने देखा इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं सब कुछ चल रहा है कन्याश्री स्कीम है जिसने बहुत ही यू नो लोगों को लड़कियों को बचाया है फ्रॉम अर्ली चाइल्ड मैरिज बट जो मुझे एक छोटा सा गैप दिखा वो ये था कि जो स्किल हम लोग अभी दे रहे हैं वो स्किल इन लोगों को शॉर्ट टर्म में तो हेल्प करेंगे बट आर वी ऑल्सो स्किलिंग देम फॉर द फ्यूचर आफ्टर 10 years 15 years व्हेन वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग गोइंग डिजिटल इवन अगर आप अभी देखें हमारे अर्बन एरियाज में तो इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है दैट आई डोंट नो I know basically so many people जो उन्होंने कैश रखना ही छोड़ दिया तब उन्हें कार्ड पे और एप्स पे डिपेंडेंट हो गए सेम डिजिटल रेवोल्यूशन इज गोइंग टू कम इट इज इनएविटेबल इन ऑल द सेक्टर्स बट उस डिजिटल एरा में हम लोगों के जो बच्चे हैं ये जो आज छोटे बच्चे हैं ये लोग कैसे सर्वाइव करें दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि हम लोग इनको क्यों ना ऐसी स्किल्स देना शुरू करें जो इन लोगों को कल के लिए रेडी करें तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम इनको कोडिंग सिखा सकते हैं बिकॉज कोडिंग एक ऐसा स्किल है ऐसा स्किल सेट है जो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करेगा आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पे डिपेंड नहीं करेगा आपको जो भी आता है जितना भी आता है आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन लर्न मैंने एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको स्टार्ट किया एंड इन अ मैटर ऑफ वीक्स बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो मोटिवेशन लड़कियों से ही आया फिर उनके रिस्पॉन्स से आया और देन दैट्स हाउ वी वेंट आपको सोसाइटी से कितना सपोर्ट मिला कितना चैलेंजेस आए लोगों को समझाना बताना कि नहीं आप लड़कियों को पढ़ने दो इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया देखिए तो जब मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो जो अलग अलग सेट्स ऑफ चैलेंजेस है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस अलग हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अलग हैं वो सब है बट जो सबसे बड़ा चैलेंज था जैसे आपने जो बोला वो सोसाइटी की तरफ से ही था नॉट बिकॉज कि वो लोग चाहते नहीं लड़कियां पढ़े प्रॉब्लम ये था कि एक तो आप लड़के को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये जो स्किल हम आपको दे रहे हैं ये आपके काम आएगी और ये आपके एक्चुअली में यूज है और आप स्कूल आर्ट्स के अलावा इसमें भी थोड़ा टाइम दीजिए एक बच्चे को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है बट एक नई चीज़ भी हम आपको पढ़ाएंगे एक तो ये चीज़ था सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप लड़कियों को अलाउ करिए कि आप वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में स्पेंड क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक ऐसी चीज है जो अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि एक तरीके से ट्रेडिशन का पार्ट बन गया सो इफ एनीवन गोस उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई करेगा या फिर उसको तोड़ने का ट्राई करेगा तो वो अच्छे से रिसीव नहीं होगा उसको पीपल विल नॉट रिसीव पॉजिटिवली इन द सेंस कि बिकॉज नाउ इट्स अ ट्रेडिशन वो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम मुझे सोसाइटी से तो नहीं आया बट ये जो प्रॉब्लम था कि हाउ डू यू कन्विंस पेरेंट्स इन किड्स
that this is something which is useful for you and this is something which you will use in future और आपके काम आएगा और जो मेरा विजन है मैं उनको कैसे यू नो कन्विंस करूँ और सेल करूँ, वो एक प्रॉब्लम था. बट उसमें जो मेरा आप बोलेंगे सपोर्ट या फिर जो पॉजिटिव चीज जहाँ जिससे मुझे हेल्प मिला वो ये था कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा घुस गया है हमारे लाइफ में आजकल कि मुझको उनको कन्विंस करने में इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. मैंने उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल ही दिए जिससे वो कन्विंस हुए. जैसे मैंने उनसे बोला कि आप लोग में से कितने लोग फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन घर में किसी के एक एक मेंबर के पास भी अगर है, लगभग सभी लोगों ने बोला कि हाँ सर एक फोन तो है ही घर में, स्मार्टफोन किसी ना किसी के पास या फिर यूज तो किया है. मैंने उनसे फिर पूछा कि आप लोगों ने कितने लोगों ने गेम खेला है उसको, कोई सा भी गेम, तो उन्होंने बोला हाँ सर खेला है गेम. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या गेम खेलने के साथ साथ ऐसा चाहते हैं कि आप लोग गेम बना भी पाए, वो गेम जो आप खेल रहे हैं वो गेम आप लोग बना पाए अपने हिसाब, वो जो उसमें कैरेक्टर जा रहा है उसको आप शक्ल दे पाए अपनी. जब मैंने उनको ऐसी ऐसी चीजें बोली तो देन उनका इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल दैट वी विल बी एबल टू मेक गेम्स ऑन आवर ओन, अगर हम लोग गेम खेलने के साथ साथ गेम बना भी पाएंगे. फिर मैंने उनसे बोला आपने मूवीज देखी है, कार्टून देखा है किसी ने, तो सब लगभग सबने बोला हाँ सर एक दो बार कभी, या फिर जिसके यहाँ टीवी है उसने देखा है, रेगुलरली देखते हैं. मैंने बोला आप क्या ऐसा चाहेंगे कि आप लोग कार्टून बना पाए कल, जैसे कि ये जो एनिमेटेड वीडियोस हैं देखने के साथ साथ आप खुद बना पाए. तो दीज आइडियाज दीज एग्जांपल्स बच्चे तो कन्विंस हो गए. फिर मुझे फिर बारी आई कन्विंस करने की पेरेंट्स को, उनको कन्विंस करने के लिए मुझको एक्चुअली में ऐसी लड़कियां ढूंढनी पड़ी एक दो जो वेस्ट बंगाल की ही हैं, ऐसे ही गाँव से या फिर ऐसे ही इलाके से निकली हैं, एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी आउटसाइड और बहुत अच्छा यू नो दे आर फाइनेंशियली ऑल्सो सपोर्टिंग देयर फैमिलीज. तो मैंने नॉर्मल अपने सोशल मीडिया पर मैसेज डाला दैट आई नीड टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम. उसमें मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए, तीन चार लड़कियों के भी मैसेजेस आए दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट. उन लड़कियों का मैंने एग्जाम्पल दिया उन पेरेंट्स को कि ये जो लड़की है ये आपके जैसे ही बैकग्राउंड से निकल के आज ये काम कर रही है TCS के लिए, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाय मार्केट कैप, ये उसके लिए काम कर रही है, ये इतना अर्न करती है जितना आप लोग यहाँ पे 6 महीने में अर्न करते हैं, उससे ज्यादा अर्न 1 महीने में करके खुद भी सपोर्ट कर रही है अपने आप को और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, तो ये अगर कर सकती तो आपकी बेटी क्यों नहीं. इवन सर्टन एग्जांपल्स वर गिवन एंड यू नो तो पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ मतलब इसको ना करने में या फिर करने में कुछ हर्ज नहीं है, इसको करके देखते हैं एक बार. बच्चों को उन्होंने भी पुश किया, हमारी तरफ से पूरा कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा, लोकल टीचर्स का कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा. तो दिस इज हाउ वी वर एबल टू कन्विंस. सो Did you work with the government school students or you work with the private school students? This particular project is run 100% in government schools. We wanted to create an example ki government school kids are no less than anyone. Government schools are no less than anyone in the facilities. The teachers are no less than anyone in terms of dedication and passion. Agar unko aap proper ek guidance दें या फिर एक proper उनको path दिखाएं, they are willing to more than accept any innovation, any challenge. And I was so amazed and happily so that so many teachers जो मैं मिला school में, all of them welcomed me with open arms कि sir we would love this, कुछ तो नया हो, we would want you know something positive, कुछ अलग हमारी लड़कियों के लिए कुछ करने का try कर रहा है, we would love to have. So the response that I got was amazing. And now we are, कल ही मैंने एक ऑर्डर पास किया है जो गूगल से हमारा, मैं बताऊंगा आपको आगे कि क्या कैसे हुआ. तो कल ही एक ऑर्डर पास हुआ है जिसमें नाउ वी विल बी ट्रेनिंग 42 कंप्यूटर टीचर्स इन वन ब्लॉक, इंटायर ब्लॉक ऑफ मालदा, 42 कंप्यूटर टीचर्स इन 42 स्कूल्स दे विल टीच, दे विल बी ट्रेन्ड बाय गूगल, दे विल बी सर्टिफाइड बाय गूगल, एंड व्हेन दे विल ट्रेन द किड्स विल आल्सो बी सर्टिफाइड बाय गूगल. So that will be a, because see our jo education sector hai ya fir jo hamari economy hai, it values documentation a lot and rightly so. Documented skills, certified skills ka apna alag value hai aur hona bhi chahiye. To jab ye document aur ye jo certificate ladkiyon ke paas rahega jisme likha hoga google trained ya fir google certified professional, it will help them and it will increase their livelihood opportunity by many times. Amazing. So that is, you are saying that in a will like in the school children of Malda in a remote area will be getting Google certification, right? Absolutely, they are absolutely free. Okay, they will have to spend nothing, only just go to your school. And you know, and maine it project design bhi
ऐसे किया था कि उनको स्कूल के बाद एक्स्ट्रा आवर्स ना रुकना पड़े, जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं उनको उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए, जो क्लास जब फ्री है, कई बार टीचर नहीं आता है, ये यूज एवरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि स्कूल के आवर्स के अंदर ही उनको पढ़ाया जाए। तो वी हैव प्लान्ड दिस एक्सटेंसिवली कि उनको बच्चों को एक्स्ट्रा ना रोका जाए, उनके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए एक मोमेंट के लिए भी कि दिस इज अ बर्डन दैट वी आर यू नो बीइंग आस्क्ड टू स्टे बैक, सो वी शुड नॉट बी थिंकिंग लाइक दैट। So, you know, it was designed in such a way with such flexibility that you have it. आप जब फ्री हैं आप तब करिए क्लासेस, बिकॉज क्लासेस दोनों तरीके के थे, लाइव सेशंस भी थे एंड क्लासेस वर आल्सो रिकॉर्डेड। तो जब बच्चे एकदम से फ्री हो रहे हैं विदाउट एनी प्लान और एनीथिंग, देन वी वुड यूज़ टू शो देम रिकॉर्डेड सेशंस, और जो प्लान सेशंस हैं वो लाइव होते हैं। तो दिस इज हाउ इट वाज। Please tell us about the school infrastructure in Malda, because in many parts of the country, schools, government schools have a problem of proper buildings have a problem, bathrooms have a problem, sanitation is a problem. With, some schools they don't have benches, and you are talking about right now connectivity in the schools, and where you can have the live classes. So, tell us. Absolutely. Yeah. जब ये idea आया मेरे दिमाग में, तो ये सारे questions मेरे दिमाग में भी आए थे, because that's what we read and that's what we you know see in reports and everything, because this was my first posting. And इतने ज़्यादा government schools मैंने देखे भी नहीं, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ government schools से, तो I was not aware also. When the idea I had, so the first thing I had in my mind कि मुझे अब जो करना है, I have to find a school जहाँ पे सारे facilities हों, because creating these facilities would mean a lot of investment. I will not be able to do that. But surprisingly, most of the government schools in Malda and most of the government schools right now in West Bengal, they have these basic facilities in place. एक कंप्यूटर रूम है डेडिकेटेड, वहाँ पे सिस्टम्स हैं विच आर वर्किंग फाइन, ऐसा नहीं है कि पढ़े हुए हैं, दे आर वर्किंग फाइन, दे हैव अ कंप्यूटर टीचर, दे हैव अ प्रोजेक्टर। द ओनली थिंग दैट आई हैड टू प्रोवाइड देम दैट टू बिकॉज वहाँ पे शायद उस समय कोई ऐसा चीज नहीं चल रहा था, द ओनली थिंग विच आई हैड टू प्रोवाइड देम वाज कनेक्टिविटी, इंटरनेट मुझे वहाँ प्रोवाइड करवाना पड़ा, उसके अलावा नथिंग। आई विल टेल यू दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड यू विल नॉट बिलीव इट इज 1500 1500 rupees in this entire project. Okay. So that was the entire public tax money which has gone into this project. Wow. इसके अलावा कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ है. We have run this project on 1500 rupees जो हमने connectivity के लिए pay किया था, basically internet. क्योंकि connection वहाँ था, उसका recharge करवाना था. Okay. That was also there. It was very easy for me to do it because most of the government schools in Bengal right now have this basic infrastructure in place. We need not invest money on getting systems or projectors. ये सब चीजें वहाँ पे हैं। आपको बस ये idea ले जाके वहाँ पे replicate करना है, and you will have it in almost all schools. Great. And I'm asking about this building and benches and bathrooms and schools because we see the pictures in many states that these basic things are also don't exist in many government schools. So, what is the situation in Malda actually? Raviji, actually, mera isme hum logon ka kuch galti nahi hai. Problem ye hai that for some reason, jo hamara popular culture hai, for some reason, we are stuck in the past. Things have changed on the ground a lot. We have moved beyond those things jo hum log images abhi bhi dekhte hain. There are certain exceptions. Main ye nahi bolunga ki sare government schools are equally great or sab mein sab kuch hai. But jo abhi बुरी हालत में है या फिर जहाँ पे चीजें नहीं है, नाउ दोज आर एक्सेप्शंस। पहले ऐसा होता था जो अच्छा स्कूल है वो एक एक्सेप्शन है, एक मॉडल स्कूल हो गया, बट इस समय हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नॉट ओनली इन बंगाल, बिकॉज वी हैव बीन टू मेनी स्टेट्स ऑन आवर भारत दर्शन, वी हैव बीन टू मेनी स्टेट्स ऑन आवर ट्रेनिंग, आई कैन वाउच फॉर इट दैट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स दे हैव द बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जो स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड, बी इट बेंचेस, बी इट कंप्यूटर रूम, बी इट बायो लैब्स, केमिस्ट्री लैब्स, फिजिक्स लैब, दे आर देयर, वहाँ पे टीचर्स भी है उनको पढ़ाने के लिए, बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि परफेक्ट सिनेरियो तो ऑब्वियसली नहीं है, बट परफेक्ट सिनेरियो तो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं, राइट? तो बट सिचुएशन हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव। जो हम लोगों के दिमाग में इमेज है गवर्नमेंट स्कूल का, वो शायद अभी 15-20 साल पुराना इमेज है, और वो इमेज डेफिनेटली चेंज होगा, एंड आई होप दैट प्रोजेक्ट लाइक दिस जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑफिसर्स ऑल अक्रॉस इंडिया,
उससे शायद ये इमेज भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बिकॉज दीज गर्ल्स आर फ्रॉम अ प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल, प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल, 100% सपोर्टेड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी लड़कियां हैं जो इंग्लिश में सीख रही हैं, कोडिंग कर रही हैं और प्रोजेक्ट्स बना रही हैं. तो आई होप दैट दिस विल चेंज द इमेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज पिक्चर इज नॉट एज बैड एज यू नो वी आर मेड टू थिंक. आई एम लाइक जस्ट पोकिंग यू so that we get as much information as possible to be, because we have viewers from across the country and different school, different states in different different schools in different states have a different situation. So tell us about the situation of the teachers, like in many states, like I have personally observed that government schools have a problem of teacher absenteeism, which is a huge issue. So, what is the situation in Malda? In the 10 months that I have been there, because ये जो project है इसका लेना देना बहुत ज़्यादा obviously पूरा की पूरा education sector में ही है और school students से deal करता है. So I have been to a lot of schools. I didn't find anything which would be a huge shock. मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला देखने में अपने इंस्पेक्शंस में भी या फिर अपने विजिट्स में कि ऐसा लगे कि यार ये तो ऐसा चीज है वो होना ही नहीं चाहिए. मतलब एज इन कि कोई टीचर है जो 10 दिन नहीं आके फिर 1 दिन आ रहे हैं, जैसा अगेन मैंने आपको बोला जैसा सिनारियो हमको लगता है कि ऐसा है, ऐसा एक्चुअली में नहीं है. लाइक जैसे मैंने आपको बोला ये प्रोजेक्ट करने में और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस में जो भी अभी तक थोड़ा बहुत हमें मिला है या फिर जो भी चीज़ हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल है उस स्कूल के टीचर्स और उस स्कूल की टीचर्स के एंथुसियाज्म, उनके बिना इट वाज इम्पॉसिबल. एंड दैट इज आई एम सेइंग देयर आर सो मेनी मिथ्स व्हिच आर गोइंग अराउंड अबाउट आवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम अबाउट आवर टीचर्स व्हिच हैव टू चेंज. गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ने जो एंथुसियाज्म दिखाया इस प्रोजेक्ट को अपनाने में, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, सी मी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई कैन डू अ सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन फाइंड द राइट पीपल, आई कैन प्लान द प्रोजेक्ट, आई कैन गिव डायरेक्शन, आई कैन यू नो डू दिस एंड दैट, ऊपर ऊपर का चीजें. बट जो ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट को रन करना है जो डेली बेसिस पे, दैट इज टू बी डन बाय द टीचर्स. जो उन्होंने किया है, इफ द इल्स दैट वी टॉक अबाउट वर कंप्लीटली ट्रू, वो इम्पॉसिबल होता, वो हो ही नहीं पाता, प्रोजेक्ट रन नहीं होता. देर आर सर्टेन इश्यूज ऑब्वियसली, बट अगेन मैं वो बोलूंगा ऐसे इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसा लगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर, या फिर बिल्कुल ही शैटर्ड है, या फिर बिल्कुल ही अच्छी शेप में नहीं है. सर्टेन इश्यूज आर देयर एंड like I said, we have made tremendous progress in past 15-20 years, and I am 100% sure that isi trajectory pe agar hum jayenge, we will be able to make much more progress and we will be able to solve all the other issues. Sure. You also mentioned about the livelihood issues there and one of the reasons for child marriage. Absolutely. So when you are doing this project, you are doing this training of the students, so what is the future, inka bhavishya kya hai? तो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एंड मे बी आई विल बी एबल टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड बेटर कि व्हाई दिस स्किल इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ दिस स्किल विल एक्चुअली इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड इश्यूज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कैसे देंगे. माय वाइफ शी लिव्स विद मी, शी हैज हर ओन स्टार्टअप, उसका खुद का एक कंपनी है उसका, एंड फॉर हर स्टार्टअप शी एवरी नाउ एंड देन नीड्स पीपल हु आर यू नो गुड एट कोडिंग, या फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग का पता हो, कोडिंग पता हो, यू नो ग्राफिक डिजाइनिंग आता हो. बट सिटिंग इन मालदा इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू फाइंड दीज पीपल इन. नाउ वॉट शी हैज टू डू एंड मेनी अदर एंटरप्रेन्योर्स लाइक हर, वॉट दे हैव टू डू इज दे हैव टू हायर पीपल फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम बैंगलोर फॉर दीज स्मॉल थिंग्स. एंड ऑब्वियसली बिकॉज दीज पीपल आर देयर, दे कैन चार्ज अ प्रीमियम बिकॉज दे नो दैट देयर इज नो वन देयर इन मालदा हु विल बी एबल टू डू इट. We have self-help groups of women who are making crafts, who are you know making many things, handmade items banate hain, aur wo open market mein bhi sell karte hain, government ko bhi sell karte hain. Why can't we have self-help groups or small groups of women who make websites, you know, who make graphic design content? So that is my personal vision for it. That once their coding is done, I will make incorporate a small. Company or a partnership firm in the name of these girls. Okay. I will get them to start with. I will get them projects.
सो दैट दे कैन यू नो शोकेस द टैलेंट. दे कैन कंप्लीट स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑन HTML का कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट दे दिया, छोटे मोटे एप्स का कुछ प्रोजेक्ट दे दिया, जिससे इन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले एंड दे अर्न मनी एज़ वेल. व्हेन दीस थिंग्स विल हैपन, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड देन दे कैन गो ऑन टू यू नो टेक मोर प्रोजेक्ट्स एंड हायर टफर प्रोजेक्ट्स. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्किल. यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली और बैंगलोर टू वर्क ऑन अ वेबसाइट. यू कैन सिट इन मालदा विद गुड कनेक्टिविटी, यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट इन मालदा एंड so that is where the future lies for them. As soon as this training gets over, we will be making these 25 girls into one company, ek chhota sa partnership firm hum banayenge inke liye, and we will get them small projects for which they will be paid. Some of them can be government projects as well, because we also have a lot of you know needs in this area, website development, app development, hum log bhi karwate hain and we pay private players only for it. Why not we pay these you know girls, so they will get the exposure, we will get our work done, and this project can you know be a model that how you can train these rural women or girls in certain skills, and you know then you can have this small ecosystem jahan pe aapka coding ya fir aapka website development ka need fulfill ho raha hai ek village. You are you know empowering those women, giving them livelihood opportunities. So this is how the future looks like them, at least agle ke 6-7 mahine mein ye plan hai. Amazing that you have a great vision about forming a company with these girls, so that they are able to develop this company, and you are also like thinking of getting projects for them. Now I will ask you a second question, the next question, that you are in a job which is highly transferable job. Transfers happen, and it may happen anytime. It's like unknown normally. Right. So, how will this a this a great initiative sustain, like after you leave, like say after 6 months, 8 months, 1 year, whenever it is? Yeah. Right. So, Raviji, I will give you another anecdote or an example for it. My father used to tell me this. जब मैं उनसे बोलता था preparation में, but papa ये job में तो IAS में specifically इतना ज़्यादा transfer होता है. How will I be able to make any difference? मैं कैसे कुछ भी कर पाऊंगा? My father used to tell me that any tree that you see right now and you are enjoying the fruit of was not planted by you. कोई सा भी पेड़ जिसका आप फल अभी खा रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, वो पेड़ आपने तो नहीं लगाया. That tree was planted by someone else. Similarly, this service, the IAS, any tree that I plant, I hope that someone else will water it, then someone else will take care of it, and someone else, you know, will ensure that the fruit reaches the society. So that is how you know the IAS works. That we know that we are in a transferable service. That is the reality, because we're part of service and we know it. But we also know that people who succeed us are also as passionate. They will take good care of our projects. They will ensure, because see, this project is not my project or something like that. This project is for the people's project. So that वही same चीज है. मेरा लगाया हुआ project है, but जो अगला officer आएगा यहाँ पे, I hope that he will take care of it and he will ensure that it goes to even greater heights. And I'm sure he will. Great. And now the next question is about scalability. Yes. One is about sustainability. कि जैसे आपने initiative लिया, this project sustains. The second question is कि can this type of project can be scaled up to the many more districts across West Bengal or even outside West Bengal. So what are the institutional mechanisms or policy mechanisms needed to get that done? Right. तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जब ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल व्हाट डू यू कॉल इट क्लास ऑफ 20-25 गर्ल्स. 25 लड़कियां थी बस. जो टीचर्स थे उनको ट्रेन भी मैंने पर्सनली किया, उनको मैंने ही सिखाया थोड़ा बहुत कोडिंग जो मुझे आता था. एंड देन दे द किड्स, एक टीचर हमको फिर फाइनली मिले जो गुड़गांव से पढ़ाते हैं, मेघना उनका चीज फ्रॉम बंगाल, उनको मिले हमें. उन्होंने आगे पढ़ाया बच्चों को, टीचिंग ट्रेनिंग किया. बट उस समय भी मुझे पता था कि ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि मैं हर स्कूल में जाके टीचर को ट्रेन करूं और उनको पढ़ाऊं फिर वो पढ़ाए बच्चों को. ये तो कोई, जैसे आपने बोला, स्केलेबल मॉडल नहीं है.
इसी कंसर्न से एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि व्हाई कैन नॉट आई अप्रोच समवन हु कैन डू दिस ट्रेनिंग जॉब फॉर अस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वी हैव, वी कैन आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ऑल्सो, अगर जहाँ नहीं है मिसिंग है हम लोग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोजेक्टर दे सकते हैं, कनेक्टिविटी दे सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज फंड्स फॉर दैट, वी गेट फंड्स फॉर दैट, वी कैन डू. What was missing was that how do I train teachers in these schools, and how do I ensure that this training is authentic and this training is good. Usi idea se ye dimag mein mere aaya ki why do not I approach a corporate which is trying to do something similar. Maine thoda research kiya to I found out, and this research was not done by me during my tenure here, but in my college days I have done it. क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो इवन आई वांटेड टू लर्न कोडिंग, और मैंने सीखा भी था और मैंने खुद ही सीखा था, बिकॉज आई वाज इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो हमें हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं होता. तब मैंने जब सीखा था कोडिंग तो मैंने ये देखा था कि देयर आर मेनी वेरियस टूल्स व्हिच आर अवेलेबल, और उन्हीं टूल्स पे बेस्ड एक करिकुलम गूगल ने डेवलप किया है, उसको वो बोलते हैं गूगल CS फर्स्ट. वो उन्होंने डेवलप किया है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, एंड दैट वाज द सेम क्लासरूम दैट वी वर targeting, same age group that we were targeting. मैंने Google के जो top executives हैं India में, अब I don't have the contact, तो मेरे पास तो उनके number नहीं है, तो मैंने पहले अपना LinkedIn account बनाया उसके लिए, सिर्फ उनसे बात करने के लिए, मैं LinkedIn पर था नहीं. अच्छा. उनसे बात करने के लिए LinkedIn account बनाया, उनको मैंने LinkedIn पर message किया, they were very gracious and humble enough to reply back, और उन्होंने पूछा, और मैंने फिर एक website create किया था इस पूरे product के ऊपर, इसमें मैंने सारा information डाला हुआ है website का. Zero से from the day of conception to till today जो भी हुआ है, I send them the link, I send them a write up, they loved our idea. उसके बाद Google ने हमें ये बोला कि आपका ये problem हम solve कर देंगे, we will provide you the entire curriculum, आपको zero से बनाना नहीं पड़ेगा, आपको क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है वो हम आपको provide करेंगे, आपके teachers को भी हम train करेंगे कि वो इस curriculum को बच्चों को पढ़ा पाए, हम ये भी ensure करेंगे कि with our regular checks we will also ensure that aapke jo teachers hain wo bachcho ko theek se padha rahe hain, ya fir jo unko padhana chahiye wo off track nahi ho rahe hain, ya fir hum wo bhi cheez ensure karenge, aur hum certify bhi karenge teachers ko bhi aur students ko. To ye jo ek scalability ka concern number 1 tha, how do I train my teachers, this was solved by Google. To dusra concern hai scalability ka, wo ye hai ki infrastructure ka jo concern, that how do I ensure that I have these basic infrastructure in place in all the schools. Computer hai, projector hai, ye sab cheez. Iske liye again, main aapko ek example deta hu iske liye bhi. Most of the schools, first of all, most of the districts, they have sufficient number of schools jahan pe aap ye project aaram se implement kar sakte hain without any additional investment. Aur aap dusre schools ke bachcho ko bhi wahan laake ye classes aap unko karwa sakte hain. There is not an issue. Ek area aap select kar lenge. वहाँ पे एक स्कूल या दो स्कूल आप आइडेंटिफाई करिए और बाकी आसपास के स्कूल्स के बच्चे उसमें जा सकते हैं इस क्लास के. एक तो ये सोल्यूशन है. दूसरा सोल्यूशन ये है दैट इसका दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए ही आई हैव अप्रोच्ड अ कपल ऑफ अदर कंपनीज, मैं अभी नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट इज इन प्रोसेस, एंड दे आर फंडिंग थ्रू देयर CSR, दे आर फंडिंग प्रोजेक्टर्स एंड सिस्टम्स इन सर्टेन स्कूल्स इन माउंट. ये एक और तरीका है जिससे आप कंपनीज को अप्रोच करके जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है और आपके पास फंडिंग में गैप है तो आप कंपनीज का यूज करके आप वहाँ पे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत ज्यादा चीजों का जरूरत नहीं है, 4-5 कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोजेक्टर से होगा. तो ये और स्केलेबिलिटी का बाकी जो चीजें हैं कि हाउ डू यू गो अबाउट द आइडिया, व्हाट आर द हिकअप्स, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, फाइनेंस से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, हाउ डू यू सेल द आइडिया टू द टीचर्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए मैंने पूरा एक document which is very exhaustive, अच्छा खासा document है 50-60 pages का, वो मैंने बना के open forum पे, open website पे डाला हुआ है on magic@malda.in, it is accessible to everyone. तो जिसको भी ये project replicate करना है अपने district में, अपने area में, वो वहाँ से document उठा के सीधा सीधा भी copy कर देगा तो भी replicate हो सकता है. Okay. Now the question is कि there is something called hardware and there is something called software. इस पूरे project में जो hardware was school buildings, perhaps the school teachers, school students, the connectivity in your schools, Google, all this is hardware. I think the software is you, your inspiration, your vision, and your willingness to get it done.
तो सिर्फ 1,500 रुपए में यू वर एबल टू लाइक गेट दिस डन एंड विद द आइडिया एंड द इंस्पिरेशन. नाउ द आइडिया द हाउ टू स्केल अप दिस सॉफ्टवेयर दिस आइडिया सो दैट मोर एंड मोर ऑफिसर्स अक्रॉस वेस्ट बंगाल एंड मे बी अक्रॉस इंडिया गेट इंस्पायर्ड एंड डू ईच स्मॉल इनोवेशंस जैसा वॉट यू हैव डन and it can change lives of so many rural children and rural families. Like it can make huge social and economic impact in the rural area. So how you think to handle this issue of software? right. So Ravi ji, iske liye bhi it's a very good question, and I have personally experienced this while doing this project and other things also. And I know so many wonderful officers from my own batch who are, many of them are much, much smarter than me. Many of them are much, much more qualified also. They have much experience in working in greatest of the corporates. You name it and they have worked there. They were great experience. They have great ideas. One problem which I feel, which I can help, solve. And the reason that I am, making people aware about this project. मैं इसलिए थोड़ा बहुत मैंने इंश्योर किया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को पता चले. वो एक प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती है जिसको मैं बोलता हूँ, आई डोंट नो इफ दिस टर्म एग्जिस्ट और नॉट, आई कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्लॉक. जैसे एक राइटर्स ब्लॉक होता है, बिल्कुल आप बुक लिखना चाहते हैं और आप बस अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके दिमाग में आइडिया बहुत सारे रीजन की वजह से. देयर इज दिस प्रॉब्लम व्हिच आई फील व्हिच इज अबाउट गेटिंग परफेक्शन. आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आप उस आइडिया को रिफाइन करे जा रहे हैं, आप आइडिया में चीजें ऐड करे जा रहे हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट आइडिया टू द ग्राउंड. आई नो सो मेनी वंडरफुल ऑफिसर्स, आई हैव बीन टॉक, हम लोगों के बैचमेट्स में भी है और मेनी अदर ऑफिसर्स हु हैव सच ब्रिलियंट आइडियाज, ब्रिलियंट इनिशिएटिव्स. द ओनली थिंग विच इज मिसिंग इज टेक दोज आइडियाज टू द ग्राउंड एंड इम्प्लीमेंट, एंड एज यू गो अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन यू कैन मेक चेंजेस. रादर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अ लॉट ऑफ ग्रेट ऑफिसर्स, they have these very brilliant ideas and they have it with them. Wo idea refine kar rahe hain, idea ko change kar rahe hain, they want to take the perfect idea to the ground for various reasons. Maybe it could be bahut sare reasons ho sakte hain uske. This one thing which I wanted to tell them through this is that even this project now it looks very good because it is thoda bahut success mil gaya, thoda Google ne aake help kar diya, thoda media coverage ho gaya, it looks all glossy, but we have made many mistakes on that. In past 10 months, we have had hiccups, we have done many mistakes also. But the best part is, we were always able to find a solution. And that's how things work on the ground. You have to take your idea to the ground and you have to implement it. Uske baad jo bhi problem aayega, jo hard, jo bhi aapko dikkat aayegi, you will be able to find a solution. That is how you refine it. Sitting with the idea is actually depriving the society of that great idea. आप उसको लेके जाइए ग्राउंड पे, इम्प्लीमेंट कर दीजिए. दिस इज माय एडवाइस टू द कमिंग बैच, जो हमारा अभी एक अगला बैच आईएएस ऑफिसर्स का रीसेंट पोस्टिंग हुआ है एंड दे विल बी जॉइनिंग इन दिस मंथ ओनली, दे विल बी जॉइनिंग देयर स्कॉडर्स, दैट व्हाटएवर स्मॉल आइडिया दैट यू हैव, व्हाटएवर दैट इनोवेटिव थिंग दैट यू वांटेड टू डू, डोंट सिट विद इट, टेक दैट आइडिया टू द ग्राउंड, इम्प्लीमेंट इट, एंड आप उसका जो भी प्रॉब्लम आएगा यू विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन. यू आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा अगर हो भी जाता है, यू विल एटलीस्ट हैव अ ग्रेट लर्निंग. आपके जो अगला आइडिया आएगा, यू विल नॉट रिपीट दोस सेम मिस्टेक्स, यू विल नॉट, सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल देम, दैट इज हाउ वी कैन गेट दी स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स रनिंग अक्रॉस द कंट्री एंड देन वी कैन टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मेक अ प्रोजेक्ट सेफ फॉर द एंटायर स्टेट. दिस प्रोजेक्ट माइट नॉट बी द बेस्ट प्रोजेक्ट राइट इन दिस एडिशन, देयर आर मेनी मच मोर ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स रनिंग एंड आई होप मेनी मोर कम अप. But when we will have a lot of projects, only then we will know that what is the best. जब हम लोगों को चार पांच best projects मिल जाए, we can make a policy out of it and we can implement those projects right from the top. That will only happen when these many, many small projects come. So I hope that this thing, small initiative of this Project Magic will help many, many small projects to come. Sure. And also want to talk about beyond education, any other field you have worked in your tenure in Malda, like in the health sector or livelihood sector or
any other sector. Right. So in my tenure here, I was able to do couple more projects, similar projects, but in different sectors also. एक हमें असाइनमेंट मिला था हमारी ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से, जिसमें हमको जो ब्रिक किल्न्स होते हैं, जिनको हम ईंट भाटा बोलते हैं, जहाँ पे ईंटें बनती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे हमको उसका स्टडी करना था. हमको देखना था कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द लेबर देयर, व्हाट आर द इश्यूज दैट दे फेस, आर दे गेटिंग मिनिमम वेजेस, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, उनके राइट्स उनको पता है या नहीं, ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी थी. एंड वी हैड टू मेक अ रिपोर्ट. I decided that it's a brilliant initiative, first of all, because इससे क्या होगा, we will get an idea of brick kilns and उनका state across India, and then we can, you know, submit a policy document, not submit a policy document, but submit a suggestion to the government, and maybe they can make a policy on it. That's what maybe the idea was. I am not aware, but what I thought was, in my own capacity in this particular district, why don't I go one step ahead, and why don't I prepare a model brick kiln? I prepare a model ईट भाटा जिसका at least replication मालदा में अगर हो जाए, even if 50% of the brick kilns are made that way, we will be able to have, you know, impact a lot of lives of the labor and a lot of situations of their life, personal lives will change. मैंने ये जब study किया, so I found out a lot of problems are there. उसमें मैंने फिर तीन model brick kilns बनाने शुरू किए, जिसमें हम लोगों ने सारे तीन बिल्डिंग्स में हमने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जहाँ टॉयलेट्स नहीं थे वहाँ टॉयलेट्स बन गए, जहाँ लाइटिंग नहीं था वहाँ सोलर लाइट्स लगवाए, जहाँ पे लोगों के घरों में पंखे नहीं है तो वो पंखा दिया, जहाँ पे जिनके बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो इंश्योर किया कि वो स्कूल जाए. अगर उन लोगों के पास किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आधार कार्ड नहीं है या फिर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए स्पेशल कैंप लगवा के उनके वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जहाँ पे जो लोग जिस भी तरीके के गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए एलिजिबल है किसी भी स्कीम के लिए, उनको वो स्कीम में एनरोल करवाया. सो दिस वाज डन. तो अभी वो तीन ब्रिक किल्स में ये हुआ है कि दे हैव सोलर लाइट्स वहाँ पे, घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं है वहाँ पे, सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, कि अगर उनको गवर्नमेंट का कोई सा भी स्कीम चाहिए, कोई सी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो कोई उनसे ये नहीं बोल पाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं. That is there. अगर वो किसी भी स्कीम के लिए एलिजिबल थे, किसी भी तरीके का पेंशन उन्हें मिलना चाहिए था या सपोर्ट कुछ मिलना चाहिए था, वो भी उन्हें मिल रहा है. सो दिस इज हाउ दिस वॉज वन ऑफ माई अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आई कॉल मॉडल ब्रिक किल्स. तो ये हमने तीन ब्रिक किल्स में किया. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी टेकन अहेड एंड यू नो रिप्लिकेटेड इन ऑल अदर ब्रिक किल्स. तो एक एक ब्रिक किल में कई बार 50 से लेके 200, 300, 400 लेबर भी काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रिक किल. और 400 लेबर मतलब कि 400 फैमिलीज. तो अगर आप एक एक करके इतने सारे फैमिलीज के लाइफ में छोटे छोटे, अगेन ऑल दिस थिंग वर डन बाय ऑलरेडी अवेलेबल स्कीम्स. मैंने अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं किया. देयर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच प्रोवाइड सोलर लाइट्स, व्हिच प्रोवाइड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन, व्हिच इंश्योर दैट चिल्ड्रन गो टू स्कूल. सारे डॉक्यूमेंट्स तो सबका राइट है एनीवेज, दैट यू कैन नॉट बुलवाना ही है. तो अगेन उन लोगों को बस ये सारी चीजें हमने उन्हीं स्कीम्स के अंडर दिया. अगेन दिस थिंग वॉज डन, मॉडल ब्रिकिंग तैयार हुए हैं. Then another small initiative of mine was for UPSC aspirants. Malda mein aur West Bengal mein a lot of UPSC aspirants are there, but koi resource nahi hai. In the sense that zyada coaching centers ya fir zyada guidance centers available nahi hai, to most of the students ya to unhe Kolkata jana padta hai ya fir Delhi jana padega, warna they have to rely on online sources. So isme bhi maine ye cheez kiya ki yahan pe maine ek academy start kiya. कोरोना वायरस की वजह से और थोड़े एंगेजमेंट्स की वजह से उसकी बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाई, बट वो स्टार्ट किया हमने. उसमें हमने ये मॉडल अपनाया कि जो ऑफिसर्स यूपीएससी क्लियर करके आते हैं वेरियस एग्जाम्स, कैन बी इंजीनियरिंग सर्विस, इट कैन बी सिविल सर्विस, इट कैन बी अदर एग्जाम्स ऑल्सो, एंड वो मालदा में पोस्टेड है, दो ऑफिसर्स विल टीच देयर फ्रॉम देयर फ्री टाइम, एंड दे विल टीच स्टूडेंट्स फ्रॉम मालदा एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और वो लेक्चर्स हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं. So this was also another initiative which I had started. इसके अलावा मैं अपने independent charge में जब गया यहाँ पे मालदा में, ये कोरोना वायरस का sadly situation आ गया, तब से तो हम लोग सब इसी में busy हैं to battle this situation. बहुत सारी चीजें plan की थी, hopefully we will be able to do it once this situation gets better. Sure. There are lots of
myths around or discussions around ki how much pressure the IS officers face from the political fraternity, and it's not very easy to operate. So your assessment of the situation? Right. So ये एक अगेन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिस इज मोर लाइक अ मिथ बस्टिंग सेशन हमारा होता जा रहा है. तो ये एक और सिमिलर लाइंस में मिथ है. लोग ये चीज भूल जाते हैं कि एन आईएएस ऑफिसर, वी आर इनटू द सर्विस फॉर 30 years 35 years. फॉर अ पॉलिटिकल पर्सन हु इज होल्डिंग अ पॉलिटिकल पोस्ट, दे हैव टू गो टू द पीपल एवरी 5 years. दे हैव मच मोर अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. वो तो अगर काम नहीं करेंगे इन द सेंस ऐसा होगा तो पीपल विल नॉट गिव देम वोट्स. सो अगर लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल लोग काम नहीं करना चाहते या फिर दे विल डिस्करेज गुड पॉजिटिव इनिशिएटिव्स, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दे विल ऑलवेज वांट कि अच्छे आइडियाज आए, उनके एरिया में काम हो, बिकॉज दैट इज हाउ उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है. राइट, पीपल विल नो देम ऑल्सो दैट व्हेन ही वाज आवर से MLA or MP, this happened in our district, this happened in our area. So first, तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है. That political pressure is political people, most of them are actually very helpful. They are actually very encouraging. They encourage good projects. They encourage you to do good work. I have also had similar experience. If you actually want to work for the people, you have a good idea, you will never get the pressure from anyone telling कि ये मत करो. They will never tell you to stop a good project. Never ever they will tell you, because why will they? That is something which will harm them more than stopping something bad. It's a different thing. अगर कोई अच्छा project हो रहा है तो कोई political pressure आपके ऊपर कभी हो ही नहीं सकता. That is a very very wrong image which has been portrayed of again the political executive. They are always very supportive to good projects. They are always very supportive. They will help also in their capacities. But like I said, for example, this model vehicles, which I have solar lights lagwaye. So those lights were from a scheme jisme main apni taraf se kharch kar hi nahi sakta paisa jab tak mujhe political support na. But it is because those money, wo jo us scheme mein jo paisa aata hai, wo unhi ko they have the right to decide where it would be spent. I mean, without their consent, you cannot. So I was supported by them also in that project. So ऐसा नहीं होता है कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो political executive आपसे बोलेगा कि ये मत करो, ये मत करो. Never happens. I have never seen it, and I have also never heard a single senior say कि मैं तो ये अच्छा करना चाहता था but उसने करने नहीं. Never. So I will tell the aspirants also that if you have this thing in your mind कि political people will put pressure on you and not work, let you work, absolutely untrue, absolutely false. If you have a good project in mind, you will, if anything, you will get more support. Sure. So as you mentioned about the myth of busting session, so I am going to ask you about another myth, so-called myth. So you have to like bust it. So there is another perception in the citizens that government officers don't listen. They are too rigid, they don't want to help people, they are not supportive, they are not citizen centric, so many perceptions float around the citizens and in media also, like if you would have read it. So your perception after being in the office, the government, this is a very sad image which has been built over past years, that government offices perhaps or the government servants perhaps are very cold hearted, logon ka help nahi karna hai, sunna nahi hai. Very sad image it is. When on one hand, when we go to our offices, we sit, we receive hundreds of people daily. Hundreds of people, they come, they have their grievances. जो कि वो ग्रीवांसेस ऐसे होते हैं कि अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर या रूट से जाएंगे सो इट विल टेक वेरी लॉट ऑफ टाइम टू हेल्प दोस पीपल, बट वी स्टिल ट्राई टू बी एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल. जितना भी ज्यादा जहाँ पे हो सकता है इंस्टेंटली वी ट्राई टू हेल्प. आई एम ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यू नेम इट, एंड द सोल पर्पस
इज दैट एक भी ऐसा ग्रीवांस मिस ना हो जाए विच आई कुड हैव हेल्प बट नॉट बीइंग ऑन सोशल मीडिया आई वाज नॉट एबल टू. मेनी टाइम्स योर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो इन यू डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग बट यू जस्ट वॉन्ट टू हेयर दैट देर इज समवन टू हेयर सोशल मीडिया हेल्प्स अस इन दैट वे ऑल्सो. तो ये जो इमेज है एंड आई नो सो मेनी ऑफिसर्स दे गो द एक्स्ट्रा माइल दे इंश्योर दैट जहाँ पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है या फिर उनको अकाउंटेबल नहीं भी रखा जाएगा बट दे स्टिल डू दे स्टिल गो एंड हेल्प हेल्प पीपल एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द सर्विस ऑल्सो दैट इज पार्ट ऑफ आवर सर्विस बट स्टिल दैट इमेज आई होप एंड आई होप दैट इट विल चेंज सोशल मीडिया विल हेल्प अस इन दैट ऑल्सो आई होप दैट इट चेंजेस बिकॉज दैट इज नॉट फेयर. आप इस क्राइसिस को ही देख लीजिए कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है all most of the private offices are shut but government staff be it, you know from right from the bottom to the top they are still working on Sundays they are you know working. I can get a call in middle of this seminar and I will have to go if there is something where I am needed. That is how our service is and I am very proud to be a part of the government sector actually because so many things are thankless in this and I have no issues with it. It should be that way only, but that image I think is not fair to a lot of, and I feel that it is not fair to not just officers but also to the staff. That government staff has been painted in such a way, which I don't know why such a image has been made. But they are very very helpful. Most of them are always, you know, personally bhi aisa hota hai bahut baar that staff will come to you and tell you, sir, there is this guy who's वहाँ पे है he needs this help and even though उसने apply नहीं किया है even though उसके पास कुछ नहीं है ऐसा कुछ हो सकता है they themselves want you to help so we get so many requests like that so many you know things like that and we try to help in as many cases as possible. So again like I said that this is not everything is not black or white. No, ऐसा नहीं है कि you will have only bad people here and only good people there are all kinds of people in the government, but most of them that I have met, I've been very lucky. Very, very caring people they want to help the common man. And I hope this image will change soon. And I hope, I am pretty sure that after Corona crisis, definitely people will realize that if not for the small government servants, small government, small in the sense that at the bottom of the ladder, the clerks, you know, the staff, if not for them, it would be very tough for us to deal with this crisis. Yes. And as you mentioned about the power of the social media, so many times this perception happens because the density of population in the country is very high. Everyone has a wants to access to the government, and the officers have limited time, and the staff has a limited time, and many times there are huge lines, huge processes. So, are you like do you also feel that there is a role of IT? More e-governance happens, more IT-based services happen, so that people actually don't have to go to the government office at all. Like it becomes a faceless government. So that may improve the situation? Absolutely, and that is the future. Future would be that you will get your certificates, you will get your documents, just like you get your visa. आप घर पे ऑर्डर करेंगे यू विल फिल इन ऑल द डिटेल्स एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप इंस्टेड लाइक वी कॉल इन गवर्नमेंट सर्कल्स इट इज गवर्नमेंट एट द डोरस्टेप यू विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर गवर्नमेंट विल कम टू यू इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग वी हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट्स मेकिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन इवन इन वेस्ट बंगाल ऑल द सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट एवरीथिंग इज ऑनलाइन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर विद पेपर एंड अप्लाई सो पीपल हैव दिस इज द फ्यूचर द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आप वही फॉर्म फिल करें फोटो अपने सेल्फी कैमरा से लेके अपलोड करें आपके घर पे सर्टिफिकेट आएगा दिस इज द फ्यूचर वी आर ऑल गियर्ड अप एंड वी आर ऑल रेडी टू फेस दिस एंड हेल्प एंड फैसिलिटेट दिस रियलिटी बिकॉज दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू सर्व सच अ ह्यूज पॉपुलेशन. आप नहीं हो सकते कि सैकड़ों लोग रोज ऑफिस के बाहर आए मेरे ऑफिस के बाहर किसी की भी ऑफिस के बाहर आए दैट इज नॉट पॉसिबल दैट इज नॉट फीजिबल. It is only nice if they apply for things online and if they receive a copy online. They can then take a printout of the wish. They can, you know, if that use it, that PDF also. That is how things are going to happen. Applications of all the things are now online anyways.
there are so many websites which have come up to facilitate e-governance and such a certain ideas. One example is Link. We call it Labasna Innovation Network. It is an initiative by our academy, IAS Academy in Mussoorie, Labasna. They have created this website which has all the stakeholders, be it academia, officers, or industry. Anyone can post a requirement over there that I am in this district or I am in this industry and I need a solution to this problem. And certain people can go and tell them, okay, I have a solution to this. And they can, there and then on that website, all of them can brainstorm, make a solution and make it available for everyone. Certain ideas, certain platforms are coming up everywhere. That is the future. That is how we are going to solve problems of the future. And that is how things will be. You cannot deny technology for long. To serve such a huge population, the digital India, or to say digital atmosphere or ecosystem is the future. Without it, you cannot serve so many people. You will not be able to serve so many people also. And technology has one advantage which is not there anywhere else. That is transparency and accounting. No one can tell me that I didn't apply for certain thing because I have a proof. It is there in my email. It is there. Everything is there. Unlike a hard copy, which can be misplaced, which can go missing, an email will always be there. So certain things, transparency and accountability is also being promoted. And at the same time, you have efficiency also. Technology is basically, I feel, where everything will be in the future. So Naveen ji, a lot of people are asking on the questions and the chat. Please write the website of your project so that people can... I will type in the website over here. Type on the chat, please, and open it to all the attendees. Just send the name of the website. Yes. On this website, you will be able to find the entire documentation of the project, the projects which have been made by the girls, the videos, the games, everything is available. And I would love suggestions also once people have seen it. They can reach me on, I am providing my email ID also. Write it for all the attendees. Like there is an option for all attendees. Yeah. And also, please write your Twitter handle. I will write. So that people can reach you. Yes, great. So as you mentioned, like you are also on LinkedIn and you are also on Twitter, Facebook, everywhere. So I will request the audience to connect with Mr. Naveen Chandra directly. And if you have any questions, suggestions, ideas, or you want to collaborate on any projects, please reach out to him directly. And there are lots of questions here, and I have tried to incorporate these questions on the questions I asked. So, but if you can have a look at it and something which I haven't. Absolutely, I will take a look at all the questions, and in case we have not talked about certain thing, I will definitely take it.
I think we have already talked about most of it. Yes. We already talked about most of it. Yes. Great. And I will ask another question, which is a, I think the last question, that as you talked about the UPSC aspirants and lakhs of people prepare for it, only few get selected because it's not a very easy exam and it's a highly competitive exam. So what, like, there are enough people to advise for how to prepare for UPSC and what happens after UPSC. My question is different. What happens if you don't make it to the IAS exam, and how, like, you would have been in touch with lots of people who would have appeared in exam and wouldn't have qualified. How do they handle life after, like, not passing it out? Because we hear about people going into depression and all that stuff happens. And because people have to spend years on it, 2 years, 3 years of preparations happen. So I am asking again a different question. So actually it is a very good question. Not many people focus on, you know, this side, which is obviously true. You know, everyone is focusing on success, but we have to see that so-called success is only for 900 people out of lakhs of students who give the exam. The rest of them, what about them, right? How do they cope with it? How do they, and for someone who started preparing for these exams, gave all their attempts, you know, and for some reason didn't get success or didn't get selected, what about them? Right. First things first, that UPSC is not the only way to make a difference, to make a change, to, you know, what do I call it? To make something out of your lives. You know, to make something, to put it straight, that UPSC is not the end. I know a lot of people, and all of us would be able to know, who have written an exam in their point, in their times. They didn't get selected, or they didn't get the service of their choice. They joined it and they did tremendously well in either their service, what they got, or even after that. I know, for example, I will not name him because not look nice. He has given UPSC exams 3 to 4 times, did not succeed. And he is now in the board of one of the fastest growing startups in the country. So he will also be doing a great service to the nation by providing jobs to so many people. Right? So that is not, getting into the service obviously is a very great thing to do. You can change life, you can impact lives, but there are so many other opportunities, so many other ways to contribute. You can get into a startup, you can, you know, be a teacher, you can just do just anything. I mean, even a simple taxpayer is also contributing to this country. So if you feel that this is the only way to contribute to the country, that is obviously, first of all, not right. Secondly, life is good if you are practical. It is easier. It is much easier if you are practical and realistic. You have to tell yourself that not everyone is going to get selected. That is a fact. If 10 lakh people or 8 lakh people or 5 lakh people give an exam and there are only 700 seats, only 700 will get selected, not 5 lakh. And again, to feel that why I will not be in those 700 is not fair. Because you know how you have worked, but you don't know that maybe there are 700 people who have worked harder than you. That is not under your control. So you should always be ready to accept this phase of life, that not everything is under our control, not everything will happen as we plan it to be. But I will also suggest, till the time you have that opportunity, give it your best. Don't think about failure before you have it, because that will, you know, not let you give your 100%. But there is like there is a great saying, give your best but be ready for the worst.
plan for the best, but be ready for the worst. Plan as if you will get AIR 1, you will, you know, succeed in your first attempt. Plan like that, but also plan and be ready for the fact that it is possible that you will give all your attempts and you will not get selected. Be ready and prepare yourself mentally from day one for that scenario as well. What will you do then? Always be ready for it mentally. Life is not worth losing for anything. UPSC, IAS, anything, be it anything, life is not worth losing. There are many people, not all the great people or all the great builders of this nation were from the service. So many great people, scientists, doctors, engineers who built this nation, not everyone was from any service. They were, you know, private sector geniuses like, you know, Infosys, founders of Infosys, or, you know, so many great companies. They were not from the service, but they did so much for this country. You can be one of them. So many opportunities are there. If one window and door closes, many others, they are still open. Just treat your life. It is a great gift. You can make a difference in so many fields. You can make a difference, and, you know, you can make even a bigger difference at times. So don't think like that, okay, this didn't happen, so kuch nahi hoga. Maybe you were meant for something bigger, thing like that. Maybe you're not meant for something to be in a service. Maybe you were meant for something bigger. Just always remember. Great, Naveen ji. Thanks for amazing conversation. Very enlightening and very inspiring, in fact. And we hope that this conversation may reach to a lot more people and many more people get inspired to work for the rural schools, the government schools, and change the livelihoods and change the social life of so many rural kids and their families. So, great project, dil se bahut badhaiyan ki aapne aisa initiative liya, and very proud ki aisa aapne project liya hai, which is impacting so many kids in the rural areas. And thank you to all the audience for joining it. If you are inspired and you like this conversation, and if you also feel ki this idea should be replicated across the country, please like and share this video to not many more people. So kehte hain ki agar ek diya hai uski jo uska jo prakash hai wo jo hai zyada se zyada jagahon tak phaile, to it like really helpful. So Naveen ji, bahut bahut dhanyawad aapka is karyakram mein. Thank you so much. It was an honor. It was a pleasure to be here and talking and sharing about this idea. I hope that someone somewhere in this country will try and do something like this. And if they do, nothing better. I will think, and I will, think that it was successful. Even if someone, if ek aadmi bhi karta hai aisa kuch try, I will think that it was a great success. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Jami ji. Thank you, all the audience. Namaskar.